नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरफ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर NTA नेट GRF UGC नेट प्रारंभ, ठीक है, जो कि आपका पेपर वन का ये MCQ से प्रैक्टिस यहाँ चलेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा 50 क्वेश्चन का सेट हर वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्रिपेयर डिजास्टर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्रिपेयर डिजास्टर। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, तो फुकुशिमा डिजास्टर, चेर्नोबिल डिजास्टर एंड 3 माइक आइलैंड डिजास्टर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्रिपेयर डिजास्टर। तो फुकुशिमा डिजास्टर, चेर्नोबिल डिजास्टर एंड जो है 3 माइक आइलैंड डिजास्टर, 3 माइक आइलैंड इंसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs। तो टू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रमोशन। तो इसका राइट आंसर है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ये आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी आपका एराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर चाहिए, इंप्रूव मेटेरियल हेल्थ चाहिए और आपका जो टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आपका सही है, आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज कंसर्न्ड विद इवैल्यूएशन ऑफ पुपिल्स लर्निंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो डैश इज कंसर्न्ड विद इवैल्यूएशन ऑफ पुपिल्स लर्निंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज कंसर्न्ड विद इवैल्यूएशन ऑफ पुपिल्स लर्निंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन प्लान। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन प्लान। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, पर्पस रिसोर्सेज एनालिसिस। तो 1 पर्पस रिसोर्सेज एंड एनालिसिस आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द 8th एलिमेंट टू एनी इवोल्यूशन प्लानर। तो आपका यहाँ पर उस क्वेश्चन का दिया गया एक्सटेंशन, द 8th एलिमेंट टू एनी इवोल्यूशन प्लानर। तो पहले आपका पर्पस, ऑडियंस, चॉइस इशू, रिसोर्सेज, एविडेंस, डाटा गैदरिंग टेक्निक। ठीक है, डाटा गैदरिंग टेक्निक, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ये आपका जो 8 एलिमेंट है। तो पर्पस है, ऑडियंस है, इश्यूज है, रिसोर्सेज है, एविडेंस है, डाटा गैदरिंग टेक्निक है, एनालिसिस है और रिपोर्टिंग है। क्वेश्चन 5 है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज सबमिटेड फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन रियो डी जनेरियो। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज सबमिटेड फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन रियो डी जनेरियो ऑन। तो ऑप्शन नंबर डी, 5 जून 1992। क्वेश्चन आपका 6 नंबर, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंटर्ड इनटू फोर्सन। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंटर्ड इनटू फोर्सन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 दिसंबर 1993। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेरिस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विद इन, द पेरिस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विद इन। तो आपका 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UNFCCC। ठीक है, क्वेश्चन आपका 8 है, इन January 2016 नरेंद्र मोदी एंड हु जॉइंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांकोइस होलांडे। ठीक है, फ्रांकोइस होलांडे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इन January 2016 नरेंद्र मोदी एंड फ्रांकोइस होलांडे जॉइंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोसफेयर। तो व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोसफेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर वेपर, जल वाष्प। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोसफेयर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोसफेयर। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन 78.08%। ठीक है, तो आपका देखिए ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन 0.93% है, हाइड्रोजन आपका 0.005% और आपका हीलियम 0.0005% है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs हु वर्क इन 2000-2001 टू डिजाइन एंड लॉन्च द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स। तो प्रोसेस है मलेरिया। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs हु वर्क इन 2000-2001 टू डिजाइन एंड लॉन्च द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, टू प्रोसेस एंड मलेरिया। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉफी अनान। ठीक है, कॉफी अनान। कुछ आपका 2 नंबर है, द मिलेनियम समिट वाज हेल्ड इन 2000 एट, द मिलेनियम समिट वाज हेल्ड इन 2000 या 2000 एट। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। तो आपका 3 नंबर है, द फोकसेस ऑन इराडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो फोकसेस ऑन इराडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MDG 1। ठीक है, कुछ आपका 5 है, MDG 3 इज
related to MDG 3 is related to, so 5 का right answer is option number C, to promote gender equality and empower women. ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया. ठीक है, तो बाद वाले में पढ़ो. ठीक है, तो MDG 3 is related to promote gender equality and empower women. कुछ आपका 6 है, reducing child mortality is associated with which MDG? तो reducing child mortality is associated with which MDG? तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MDG 4. ठीक है, कुछ आपका 7 है, which MDG is associated with improving maternal health? तो which MDG is associated with improving maternal health? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, MDG 5. कुछ आपका 8 है, MDG 6 is related to, तो MDG 6 is related to, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू कम्बैट एचआईवी एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज. तो MDG 6 मिनिमम डेवलपमेंट गोल 6 इज रिलेटेड टू कम्बैट एचआईवी एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज. कुछ आपका 9 है, MDG 7 इज रिलेटेड टू, तो MDG 7 इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर डी, टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, कुछ आपका 10 नंबर है, व्हिच MDG इज एसोसिएटेड विद डेवलपिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट? तो व्हिच MDG इज एसोसिएटेड विद डेवलपिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट? तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MDG 8. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, फिर से दोबारा, द वीना कन्वेंशन रिलेटेड टू, तो आपका जो द वीना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक मिनट बताते हैं. तो वन का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, द वीना कन्वेंशन रिलेटेड टू ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर. कुछ आपका 2 है, द वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज ए मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट साइंड इन. तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1985, द वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज ए मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट साइंड इन 1985. कुछ आपका 3 नंबर, द वीना कन्वेंशन वाज एग्रीड अपॉन इट द वीना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1985 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1988. तो द वीना कन्वेंशन वाज एग्रीड अपॉन इट द वीना कॉन्फ्रेंस ऑन 1985 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1988. कुछ आपका 4 आपका, द वीना कन्वेंशन प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क नेसेसरी टू क्रिएट रेगुलेटरी मेजर इन द फॉर्म ऑफ द, तो द वीना कन्वेंशन प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क नेसेसरी टू क्रिएट रेगुलेटरी मेजर इन द फॉर्म ऑफ द ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. कुछ आपका 5 है, विच अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1, 2019. तो विच अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स ऑन 1, 2019? ऑप्शन नंबर बी, किगाली अग्रीमेंट, किगाली अमेंडमेंट. ठीक है, तो आपका 6 है, अंडर द किगाली अमेंडमेंट कंट्रीज प्रॉमिस टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFCs बाय मोर देन डैश ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स. तो अंडर द किगाली अमेंडमेंट कंट्रीज प्रॉमिस टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFCs बाय मोर देन 80% ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स. तो आपका 7 है, विच प्रोटोकॉल वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू एड्रेस ए ग्लोबल एनवायरमेंटल रेगुलेटरी चैलेंज? तो विच प्रोटोकॉल वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू एड्रेस ए ग्लोबल एनवायरमेंटल रेगुलेटरी चैलेंज? ऑप्शन बी, मटेरियल प्रोटोकॉल. तो ये आपका है, विच टू सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट आर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD? तो विच टू सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट्स आर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD? ऑप्शन नंबर सी, कार्टेजियन एंड नागोया प्रोटोकॉल. तो 9 आपका, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ डैश बैंड सम फॉर्म्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग क्लाइमेट इंटरवेंशन. तो द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ डैश बैंड सम फॉर्म्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग क्लाइमेट इंटरवेंशन, ऑप्शन नंबर 2010. ठीक है, तो द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ 10 बैंड सम फॉर्म्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग क्लाइमेट इंटरवेंशन. कुछ आपका 10 है, द करेंट एक्टिंग एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डैश हु टुक अप दिस पोस्ट ऑन 1 दिसंबर 2019. तो आपका द करेंट एक्टिंग एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एलिजाबेथ मारुमा मरेमा. ठीक है, एलिजाबेथ मारुमा मरेमा वो टू का दिस पोस्ट ऑन 1 दिसंबर 2019. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से. तो एज ऑफ 2016 द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD हैज हाउ मेनी पार्टी? तो एज ऑफ 2016 द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD हैज हाउ मेनी पार्टी? तो 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 196 पार्टी. टू आपका द कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी हैज हाउ मेनी पार्टी? तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी
has how many parties after mercy 122 question aapka 3 number hai then nagoya protocol has how many parties then nagoya protocol has how many parties so 3 correct answer option number d 124 next aapko jo 4 hai the nagoya kuala lumpur then nagoya kuala lumpur supplementary protocol has how many parties so 4 correct answer option number b 48 then nagoya kuala lumpur supplementary protocol has 48 parties so 5 aapka then nagoya Nagoya protocol was adopted. The Nagoya protocol was adopted. So, 5 correct answer option number C, 29 October 2010. Ticket. Question 6 is the Nagoya protocol entered into force. The Nagoya protocol entered into force. So, 6 correct answer option number D, 12 October 2014. Ticket. Question 7 is which was the international year of biodiversity? So, which was the international year of biodiversity so 7 correct answer option number c 2010 question aapka 8 hai the disaster management act was made the disaster management act was made so 8 ka right answer hai option number b 2005 question 9 hai in india national institute of disaster management is located at in india national institute of disaster management is located at so 9 ka right answer hai option number d new delhi ठीक है in india National Institute of Disaster Management is located at option B New Delhi. The name of the largest active volcano in the world. The name of the largest active volcano in the world. So, 10 correct answer option C Mauna Lau in Hawaii. ठीक है. अगला आपका क्वेश्चन नंबर फिर से बने ठीक है दोबारा. तो the name of the largest active volcano in India. The name of the largest active volcano in India. तो वन का right answer option number B. ऑप्शन में डी बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड के पास में ठीक है अंडमान आइलैंड के पास ठीक है द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया ऑप्शन में डी बैरन आइलैंड जो कि अंडमान आइलैंड के पास में कुछ आपका 2 है डैश सीजे सैटेलाइट प्रोवाइडिंग वेदर फोरकास्टिंग साइक्लोन प्रेडिक्शन एंड ट्रैकिंग सर्विस टू इंडिया तो डैश सीजे सैटेलाइट प्रोवाइडिंग वेदर फोरकास्टिंग साइक्लोन प्रेडिक्शन एंड ट्रैकिंग सर्विस टू इंडिया ऑप्शन नंबर बी स्कैटसैट 1 इज ए सैटेलाइट प्रोवाइडिंग वेदर फोरकास्टिंग साइक्लोन प्रेडिक्शन एंड ट्रैकिंग सर्विस टू इंडिया कुछ आपका 3 है द इंडियन सुनामी ईयरली वार्निंग सेंटर ITEWC एस्टैब्लिश एट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंसेज इज लोकेटेड तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हैदराबाद और कुछ आपका 4 नंबर है द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय ऑप्शन नंबर 4 का सही है ऑप्शन नंबर है चीफ मिनिस्टर कुछ आपका 5 नंबर है वेयर इज इंटरनेशनल सुनामी सेंटर लोकेटेड तो वेरी इंटरनेशनल सुनामी सेंटर लोकेटेड ऑप्शन नंबर डी होनोलुलु यूनाइटेड स्टेट आपका 6 नंबर है व्हेन डू वी सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन तो व्हेन डू वी सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन तो ऑप्शन नंबर बी 13 अक्टूबर कुछ आपका 7 है व्हेन वाज एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एस्टैब्लिश तो व्हेन वाज एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एस्टैब्लिश तो आपका 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1986 और आपका 8 है हु हेड्स द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तो हु हेड्स द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट सेक्रेटरी ठीक है क्वेश्चन 9 है ISDR फुल फॉर्म तो ISDR का फुल फॉर्म क्या है ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिएक्शन तो ISDR का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिएक्शन आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का वेयर इज द इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर मिटिगेशन ISDR हेडक्वार्टर तो वेयर इज द इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर मिटिगेशन ISDR हेडक्वार्टर ऑप्शन नंबर सी जेनेवा स्विट्जरलैंड ठीक है इस प्रकार देखा हमने आज का वीडियो आज की बात बताई आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद तो आज की बात बताई कल हम पर नेक्स्ट पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन का सेट ठीक है